नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। ग्वालियर में पुलिस के रिश्वत मांगने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सिपाही के रिश्वत मांगने की एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां एक लोडिंग ऑटो को छोड़ने के बदले सिपाही ने 100 रुपए की मांग की, जिस पर ऑटो ड्राइवर ने रुपए देने से साफ मना करते हुए शोर मचा दिया। लोगों की भीड़ इकट्ठी होने पर सिपाही ने वहां से भागना ही मुनासिब समझा। मोती महल रोड पर एक लोडिंग ऑटो को सड़क से गुजर रहे सिपाही ने रोकते हुए उससे दस्तावेज दिखाने को कहा। ऑटो चालक ने पूरे कागज चेक करा लिए और वहां से निकलने लगा। चालक के जाने पर सिपाही ने उससे 100 रुपए की रिश्वत मांगी तो ऑटो चालक ने देने से मना कर दिया और सिपाही के अधिकारी से बात कराने को कहा, लेकिन सिपाही रिश्वत मांगने पर अड़ गया, जिससे ड्राइवर और सिपाही के बीच कहासुनी होने पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। भीड़ लगते ही सिपाही वहां से भागने की कोशिश करने लगा तो ऑटो ड्राइवर ने सिपाही की बाइक पकड़ ली और लोगों को सिपाही की करतूत बताने लगा, जिस पर सिपाही मौका देखकर वहां से भाग गया। सिपाही की इस तरह की हरकत प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रही है। क्या इस हरकत पर पुलिस प्रशासन कोई एक्शन लेगा या ये मामला यूं ही रफा दफा कर दिया जाएगा? ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।